यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। छोटे दलों से गठबंधन से लेकर दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में एंट्री कराने तक वो हर काम कर रहे हैं, जिससे वो सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हों। अब अखिलेश को सत्ता सुख मिलता है ये नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मिशन 2022 के लिए उन्होंने 5 ऐसे कदम जरूर उठाए हैं, जिसके दम पर फिलहाल वो फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। नंबर 1, दूसरे दल के नेताओं पर भरोसा। साल 2022 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने दूसरे दलों के नेताओं के लिए एसपी के दरवाजे खोल दिए हैं। बीएसपी और कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाले कई नेताओं को एसपी में एंट्री कराने में कामयाब रहे हैं। पिछले 3 महीनों में विपक्षी दलों के करीब 200 बड़े नेताओं की एसपी में एंट्री हुई है। इसके जरिए अखिलेश ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि एसपी ही बीजेपी का विकल्प बन सकती है। नंबर 2, छोटे दलों संग गठजोड़। आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों की बजाय अखिलेश जाति आधारित वाली छोटी पार्टियों संग गठबंधन कर रहे हैं। पूर्वांचल में राजभर, कुर्मी और नोनिया समाज के वोटों को साधने के लिए अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान और कृष्णा पटेल की पार्टी को साथ लिया, तो रुहेलखंड और ब्रिज इलाके में केशव देव मौर्य और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी को साथ लेकर आए। नंबर 3, शिवपाल ओवैसी को अहमियत नहीं। अखिलेश फिलहाल बहुत सधी हुई सियासी चाल चल रहे हैं, ताकि बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका न मिले। इतना ही नहीं, बीजेपी को एसपी पर यादव और मुस्लिम परस्त होने के आरोपों से भी बचाने में अभी तक सफल दिख रहे हैं। यही वजह है कि वो अभी तक न तो अपने चाचा शिवपाल यादव को अहमियत दे रहे हैं और न ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तवज्जो। नंबर 4, सहयोगियों के साथ अभियान। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश अपने सहयोगियों संग रैलियां कर चुनावी हवा बनाने में जुटे हैं। गाजीपुर और मऊ में ओम प्रकाश राजभर की रैली के मंच पर हुंकार भरते दिखे, तो लखनऊ में जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति महारैली को संबोधित किया। आने वाले दिनों में वो आरएलडी के साथ रैली करेंगे, ताकि गठबंधन दलों के बीच तालमेल बन सके और चुनाव में एक दूसरे के वोट ट्रांसफर हो सके। और नंबर 5, जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन मजबूत किया। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे से जाट और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हुए, तो बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में विपक्ष का सफाया कर दिया। किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम एक साथ आए हैं, तो अखिलेश उन्हें साधने में जुटे हैं। इंडिया न्यूज़, वारंगल की रिपोर्ट।